जिला प्रशासन गया एवं शिक्षा विभाग तथा स्कूगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गया जिला में इस वर्ष सभी आरटीई एप्लीकेशंस को ऑनलाइन किया जा रहा है एवं सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी आरटीई में फाइल करने वाले अभ्यर्थियों का जो आवंटन है, स्कूल वाइज आवंटन है, वो लॉटरी के माध्यम से, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाए। इस वर्ष यह व्यवस्था उनको वेब पोर्टल के माध्यम से एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। इसी के साथ सभी स्कूलों को प्रस्वीकृति लिए भी स्कूल्स का ऑलरेडी ऑनलाइन इसमें पंजीकरण करा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति पूरे गया जिला में इनका पुत्र या पुत्री इसमें नामांकन चाहते हैं आरटीई के माध्यम से, वो अपने घर बैठे या कहीं से भी इसमें अपना नामांकन कर सकते हैं, पंजीकृत कर सकते हैं और उसमें किसी भी तीन स्कूल को वो चिन्हित कर सकते हैं जो उनके घर के आसपास है, जहाँ पर वो आरटीई के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप इसलिए होगा क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे फैमिलीज जो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं या जिनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, अब उनको भी यह मौका मिल रहा है कि शहर के या ज़िले के जो बेस्ट स्कूल्स अवेलेबल हैं उसमें जो 25% कोटा में उनको ये मिल सके और इसमें ना तो कोई अब उनको किसी मिडिल मैन की आवश्यकता होगी, ना किसी को किसी के पैरवी की आवश्यकता होगी, या सबके लिए बराबर होगा और लॉटरी में जिसका भी नाम आएगा उसको उसमें एडमिशन दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया हम लोगों का अनुमान है अगले एक माह के अंदर हम लोग कम्प्लीट करेंगे। स्कूलिंक के माध्यम से हम लोग इस बार ऑनलाइन अप्लाई करने की जो व्यवस्था की गई है, जो जिला पदाधिकारी के निर्देशन में है, और इसमें एक बड़ी सुखद एहसास हो रही है कि ये अब कहीं कोई भी गार्जियंस या बच्चे ये नहीं कहेंगे कि हमने अप्लाई किया था, हमारे आवेदन को एंटरटेन नहीं किया गया, चूँकि ये आवेदन ऑनलाइन होगा। सीआरसी हमारे सहयोग करेंगे, इसके बाद हर प्रखंड में जो हमारा प्रखंड संसाधन केंद्र है वहाँ जो अकाउंट्स असिस्टेंट हैं वो भी उसमें ऑनलाइन कराने में सहयोग करेंगे। गया जिला में कुल 330 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालय हैं जिनमें कक्षा वन में 25% सीट आरक्षित है कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए। लगभग 3000 सीट आरक्षित है जिन पर इन बच्चों का नामांकन लिया जाना है। इस कार्य के लिए स्कूगलिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जो बनाया गया ऐप है एवं वेब पोर्टल है उस पर बच्चे के अभिभावक उनका आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। शिक्षा भवन में अपना कैनोपी भी लगाया है जहां पे अभिभावक आकर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं एवं कोई भी अभिभावक या बच्चे अपने मोबाइल ऐप से भी उसको डाउनलोड कर तीन विद्यालय का चूज़ कर सकते हैं और उसके तत्पश्चात लॉटरी के माध्यम से उन तीन विद्यालयों में एक विद्यालय उन्हें आवंटित की जाएगी। और मेरा मानना है कि गया जिला में शिक्षा क्षेत्र में और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में और ख़ासकर ऐसे समुदाय जो कि हाशिए पे हैं, सबसे लास्ट पायदान पे समाज में खड़े हैं, उनके लिए, उनके लाइफ में, उनके लिए यह एक लाइफ चेंजर या गेम चेंजर होगा। मैं सभी इस पूरे प्रक्रिया में जो लोग युक्त हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो CDPO ऑफिस के अधिकारी हों या ब्लॉक ऑफिस के हों या अन्य जिस स्तर पर लोग कार्य करें, मैं सभी को और प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी लोग हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल।